जनपद में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाए जा रहे कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान में शनिवार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन जिला चिकित्सालय बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित कुल 56 जगहों पर किया गया, जिसमें कुल 11,485 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। फर्स्ट डोज लेने वालों में 1,823 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 9,662 लोग शामिल रहे। इस संबंध में सिमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में 56 जगहों पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल, 2 अभिभावक स्पेशल सहित मेडिकल कॉलेज और एम्स सहित ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सकुशल वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। अब तक कुल 19,56,000 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज लग चुकी है। लगभग 17 लाख लोगों को पहली डोज तो 3 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज लग गई है। 6 सितंबर को जनपद में 1 लाख लोगों को कोरोना रोधी टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो बड़े पैमाने पर कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, वैक्सीनेशन हो रहा है और कितने वैक्सीनेशन हो चुके हैं? आज हमारे ज़िले में 56 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, और जिसमें कि 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहा है, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और इंडिया इंस्टीट्यूट और हमारे जिला अस्पताल महिला और पुरुष दोनों में, इसके साथ साथ अर्बन PAC पर और हमारे रूरल PAC में वैक्सीनेशन चल रहा है। आज का दिन जो है सेकेंड डोज के लिए रखा गया है, इस सैटरडे को सेकेंड डोज सबसे पहले लग रहा है और काफ़ी मात्रा में लोग लगवा रहे हैं। सर अब तक कुल कितने वैक्सीन? अब तक हमने 19,56,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन कर दिया है, और इसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज भी सम्मिलित है। 17 लाख से ऊपर हमारा फर्स्ट डोज का है और 3 लाख से ऊपर हमारा सेकेंड डोज का है। ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन टारगेट हमारा 20,000 का था, उसके एक दिन पहले हमने 52,000 लोगों का वैक्सीनेशन भी किया। 6 तारीख को एक बृहद राउंड होने वाला है, जिसमें हमें 1 लाख का टारगेट दिया गया है, और उस दिन भी हम 1 लाख से ज़्यादा का वैक्सीनेशन किया।